माँ सरस्वती, निंदा से घबरा कर, निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की राय बदल ही जाती है। हेलो फ्रेंड्स, उत्कृष्ट स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ करंट अफेयर्स के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में यूनानी चिकित्सा में आहार और पोषण, ठीक है, आहार और पोषण पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यूनानी चिकित्सा क्या होती है पहले हम लोग देख लेते हैं। तो भारत में इसकी शुरुआत जो की थी वो हकीम अजमल खान ने की है, लेकिन जो इसके जनक है वो कौन है? बुकरात या हिप्पोक्रेट हैं, जो दार्शनिक बुकरात हैं वही जो है इसके जनक माने जाते हैं। लेकिन जो आधुनिक यूनानी चिकित्सा है उसकी शुरुआत हकीम अजमल खान ने की थी और इनका जो जन्मदिन है वो 11 फरवरी को होता है। इसे ही, इनके जन्मदिन को ही राष्ट्रीय यूनानी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस उपलक्ष्य में यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ और उसमें आहार और पोषण पर एक क्या हुई, एक संगोष्ठी हुई। और ये संगोष्ठी किसने की? केंद्रीय और केंद्रीय आयुष तथा पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री जो हैं श्री सर्वानंद सोनेवाल ने इस सम्मेलन का में जो है इस आहार और पोषण पर जो है चर्चा की और उसे लागू करने के लिए प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, कहाँ हुई? तो ये श्रीनगर में हुई। आगे चलते हैं। किसे कर्नाटक राज्य परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? ठीक है, कर्नाटक राज्य परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये एक उद्योगपति अर्जुन रंगा जी है, उनको चुना गया। ये साइकिल प्योर अगरबत्ती के प्रबंधक और निदेशक हैं प्रेजेंट में। ठीक है, इससे पहले 2017 और 18 में ये ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। आगे देखते हैं। किसे गोल्फर को वर्ल्ड गोल्फर ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो ये प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स हैं, इनको शामिल किया गया। इनका जीवन जो है बहुत प्रेरणादायी है। ये अमेरिका के जो है एक पेशेवर खिलाड़ी हैं, ये विश्व के नंबर वन गोल्फ खिलाड़ी हैं और इनकी जो जीवनी है वो बहुत ही प्रेरणादायक है, क्योंकि इनकी पीठ के दर्द से इनकी 5 बार सर्जरी हुई, जिसके वजह से इन्हें गोल्फ खेलने के लिए हमेशा के लिए मना कर दिया गया, लेकिन इन्होंने फिर से अपने कैरियर में बैक किया और बहुत ही अच्छा अब ये कर रहे हैं। तो किसको शामिल किया गया? गोल्ड हॉल ऑफ फेम में टाइगर वुड्स को शामिल किया गया। आगे देखते हैं दोस्तों। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? तो ये बहुत गर्व की बात है कि हमारा भारत देश जो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी में के विश्व कप 2022 में पहले स्थान पर रहा। इसमें हमारे देश ने 4 तो गोल्ड लिए, 2 सिल्वर लिए और 1 ब्रॉन्ज, ऐसे कुल 7 पदक जीते हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में कैटलिन नोवाक को किस देश की पहली राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? कैटलिन नोवाक, तो ये इन्हें हंगरी देश की जो है पहली राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। हंगरी देश की बात करें तो ये डेव्यू नदी के मैदान में स्थित है और इसकी राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का सफलतापूर्वक शुरुआत किस राज्य में की गई? तो ये झारखंड में गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत से रेलवे की आय लगभग 11 करोड़ प्रति माह बढ़ने वाली है। ठीक है, और ये कहां? पूर्वी रेलवे के आसनसोल मंडल में इसकी शुरुआत की गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसे चार धाम परियोजना समिति, ठीक है, चार धाम परियोजना समिति
का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो किसे किया गया, जस्टिस एके सीकरी को किया गया है। अब चारधाम परियोजना समिति क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई धार्मिक परियोजना होगी, परंतु ऐसा नहीं है, ये पूरी तरह से राजनीतिक तौर की पर राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एक परियोजना है। इसके अंतर्गत क्या है कि हमारे जो चार धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ठीक है, इन चारों धामों की यात्रा के लिए मोदी गवर्नमेंट ने एक परियोजना लागू की है, मतलब लागू की है क्या, इसका जो है केस सुप्रीम कोर्ट पे चला गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी हरी झंडी दे दी है। इस परियोजना के तहत क्या है दोस्तों कि 900 किलोमीटर लंबी एक ट्रिपल लाइन, ट्रिपल लेन जो है एक सड़क बनाई जाएगी जो कि भारत चाइना बॉर्डर तक जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि इस निर्णय से, इस सड़क के बनने से चीन के सामने भारत की स्थिति बहुत मजबूत होने वाली है। तो यही चार धाम परियोजना है जिसके नए अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया, जस्टिस ए के सीकरी को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन हुआ, ठीक है, पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन किसने किया, तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, उन्होंने किया, ठीक है। ये क्या है ड्रोन स्कूल, तो ड्रोन स्कूल में ऐसी तकनीकों का विकास होगा, वहाँ पे ऐसे बच्चों, ऐसे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाएगा जो ड्रोन से संबंधित चीज़ों को सीखेंगे। इसे व्यापारिक रूप से इसमें जो संभावनाएं हैं उनका वो उपयोग करेंगे, खेती में जैसे बीजों का बोना या खरपतवार का होना वो ड्रोन के जरिए इसको चेक करेंगे, और रक्षा के रक्षा में और भी जो भी संभावनाएं इसकी हो सकती हैं वो सारी चीज़ों में यहाँ पे निपुण होंगे। तो उन्हें अपने मध्य प्रदेश में ऐसे 5 स्कूल खोलने हैं, तो पहला जो खुला है वो ग्वालियर में खोला गया है और इसका ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उद्घाटन किया है। चलिए अगला देखते हैं। वी डैम डेमोक्रेसी की रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा, तो वी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भारत का 93वां स्थान रहा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।